नमस्कार, मैं भिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज एमपी। मध्य प्रदेश में लगातार गुनहगारों को सजा देते हुए मामा शिवराज उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। उनकी एक के बाद एक कार्रवाई को देखते हुए लगता है कि इन दिनों मामा खतरनाक मूड में हैं। सूबे के सभी सफेदपोश बाहुबली नेता, बदमाश व सभी मिलावटखोरों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपना रखा है। कई बार मध्य प्रदेश की सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज ये कह चुके हैं कि सूबे में बदमाशों के लिए कोई जगह नहीं है, तो या तो सुधर जाओ या फिर जमीन में गाड़ कर रख दूंगा। सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ देना नहीं, जमीन में गाड़ दूंगा, 10 फीट पता नहीं चलेगा कहीं भी किसी। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने सूबे के सभी भ्रष्ट अधिकारियों से कहा था कि लापरवाही बरती तो टांग दूंगा। इस बीच एक बार फिर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसकी चर्चा न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में हो रही है। दरअसल हाल ही में मध्य प्रदेश के मुरैना शहर में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत हो गई है। मिली खबरों के मुताबिक मरने वाले अलग अलग गाँव से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। पुलिस के मुताबिक सुमावली थाने इलाके के पहावली गांव में 3 और बागचीनी इलाके के मानपुर गांव में 7 लोग जहरीली शराब पीने से मौत के घाट उतर चुके हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची स्थानीय थाना पुलिस ने बीमार लोगों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब मध्य प्रदेश में जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की मौत हुई हो। पिछले साल लॉकडाउन के बीच मध्य प्रदेश में रतलाम जिले के अवैध जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की मौत हो गई थी। तब बताया जा रहा था कि 2 लोगों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। अब इस मामले पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके कहा है कि मुरैना की बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दुखद घटना है, मामले की जांच जारी है, लेकिन सबसे पहले सुपरविजन में लापरवाही करने वाले डिस्ट्रिक्ट एक्साइज अफसर को सस्पेंड कर दिया गया है। जांच के बाकी तथ्य जैसे ही सामने आएंगे तो बाकी के दोषियों को भी सजा दी जाएगी, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। इस घटना पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा है कि मुरैना की घटना बहुत ज्यादा ही दुखद है। थानेदार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मौके पर वरिष्ठ अधिकारी पहुंच गए हैं और अलग से एक जांच दल भी की जा रही है। कोई भी दोषी बचेगा नहीं, जितना भी बड़ा होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस वारदात के बाद जिस तरह से मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोषियों को सजा दी, इससे यह साफ है कि मध्य प्रदेश की भूमि पर अब कोई भी अपराधी पनप नहीं पाएगा, क्योंकि शिवराज का बुलडोजर और उनका दृढ़ सोच मध्य प्रदेश को क्राइम फ्री स्टेट बनाकर रहेंगे। इस खबर पर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। मध्य प्रदेश की ऐसी ताजा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें वीके न्यूज एमपी। धन्यवाद।